देखें जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई है और मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म साहब ने मुकम्मल तौर पे ये यकीन दिलाया है कि हर सूरत इंसाफ होगा, सबको इंसाफ मिलेगा। किसी के साथ जो हमें खदशात थे कि हमारे साथ रवैया जो है वो खसूसी तौर पे किया जा रहा है, वज़ीर आज़म साहब ने उसकी इंश्योरेंस दी है कि इस तरह का सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी के साथ इस तरह की ज्यादती हो। और उन्होंने उसके लिए कहा है कि मुझे थोड़ा टाइम दे, इंशाल्लाह ताला तमाम इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। शहजाद अकबर साहब के हवाले से क्या बात की हुई है? शहजाद अकबर साहब के बारे में मैंने उन्हें बताया है, उनके इलम में लाया हूँ और उन्होंने कहा है कि मैं इसको ज़ाती तौर पे भी देख रहा हूँ और आपको इंश्योर करता हूँ कि किसी के साथ भी ज़्यादती जो है वो नहीं होने दूंगा, ये आप मेरे पे छोड़ दें, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। राय साहब, क्या जो शिकायत आपने की थी शहजाद अकबर साहब के बारे में या किसी के बारे में भी, ब्रेम्स ने उसको एक्नॉलेज किया है, उसको मान लिया कि ज़्यादती हुई है और उन्होंने कहा कि उनको तब्दील कर दिया जाएगा, या अभी सिर्फ वादे वईद हैं? नहीं, तशफियाँ हैं। नहीं, एक्नॉलेज नहीं किया, हम उनके हमें लाए हैं, उन्होंने कहा है मैं इसको ज़रूर देखूंगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा और मैं इस पर आपको सबको ये यकीन दिलाता हूं कि आप हमारे मेरे साथी हैं। मेरे मुखालफ भी जो लोग हैं मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, इंसाफ होगा। और हम उनकी इस यकीन दहानी पे हमने उनका शुक्रिया अदा किया है और हमें अपने कप्तान और अपने वज़ीर आज़म पर पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह कोई टाइम नहीं है, साल भी हो सकते हैं, जितना भी टाइम मुनासिब होगा उसमें हो जाए।